अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोमल है और अपने मोमल अली राजपूत चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, अभी जो है हम आपको एक ऐसी बात मैं शेयर कर रही हूँ कि कोमल और मेरी जो है लड़ाई हो गई है। आपने थंबनेल देख लिया होगा, लड़ाई जो है वो थोड़ी सीरियस वाली हो चुकी है। अब दो दिन हो गए हैं कोमल और मेरा जो है बोलचाल नहीं है। चाचू आए बैठे हैं, ताए अबू अम्मी को बता रहे हैं कि बच्चियों को समझाएं क्या हो गया है, मतलब कि मजाक में ऐसे कर रहे हैं। भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, अम्मी भी हैं, कोमल ने थोड़ा मुंह फुला कर रखा हुआ है। तो आपको बताते हैं कि इस वजह से लड़ाई हुई है, सीरियस वाली हो चुकी है। अब थोड़ी सी खट्टी मीठी हुई थी लेकिन अब सीरियस वाली हो चुकी है। तो बताते हैं आपको, पहले अम्मी और चाचू और ताई अबू से बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या हुआ है हमारे। बस चाचू और ताई अम्मी अभी आई बैठी थी तो पूछ रहे थे किस वजह से लड़ाई हुई है कोमल की और मोमल की। अम्मी अभी बल्कि मुझे समझा रही हैं, आपको बताते हैं कि किस वजह से लड़ाई हुई है हमारी। तो आप लोगों ने बताना है कि मेरी वजह से, मतलब कि मेरी गलती है या कोमल की गलती है। तो बात दरअसल ये हुई है कि कोमल के अब एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो फ्री थी, मैंने उससे कहा कि कोमल सिलाई सीख लो मेरे पास। कहती है नहीं सिलाई नहीं सीखनी, मुझे पार्लर का काम सीखना है। तो पार्लर के लिए यहाँ पर जो है गांव में मसला बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर पार्लर कोई है नहीं सिखाने के लिए, और जो शहर जाना पड़ेगा कोमल को। तो हमने कहा भी नहीं, मतलब कि सीखना तुमने पार्लर का गाँव। तो इस वजह से दो दिन हो गए हैं मुँह खुला के बैठी है, ना बात करती है सही से। तो अब चलते हैं कोमल के पास। अम्मी बल्कि मुझसे नाराज़ है, कहती है छोटी है उसे सीखने दो। तो ले जाएँ फिर, मैंने क्या कहा उन्हें ना लेके जाएँ, ले जाएँ उसे, अगर आने जाने में कोई मुश्किल नहीं होती तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। छोटी सी बात थी बस, बहुत बड़ा इशू बना लिया है कोमल ने। बचपना है और कुछ नहीं, समझाने की बहुत कोशिश की है लेकिन बस एक दो दिन में सही हो ही जाएगी। वैसे हमारी कभी लड़ाई होती नहीं है, आज इसने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है। तो अब काम कर रही है बेचारी, चलते हैं उसके पास। वैसे मुंह तो बहुत फुलाया हुआ उसने। ये देखें अभी दूध जो है निकाला जा रहा है जानवरों का, ताई अम्मी अपनी जानवरों का दूध निकाल रही हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि कोमल कहाँ है। ये देखें बर्तन धो रही है कोमल। कोमल इधर देखो, ओए वीडियो बना रही हूँ, इधर तो देख, अब वीडियो में तो देख लेना हमारी लड़ाई हुई है ना वीडियो। ये देखें यूट्यूब से तो किसी की नहीं हुई ना लड़ाई, ना मेरी ना तेरी। क्या बोल, अभी बस 14 अगस्त आने वाला है, उसके लिए जो है झंडिये वगैरह वो भी ख़रीदनी है हमने। शहर वैसे जाना तो है, तो वैसे कोमल अम्मी और ताई अम्मी पता क्या कह रहे थे कि पार्लर का काम सीखना सही नहीं है, शहर में जा अब आना जाने में मुश्किल होगी, ठीक है नहीं जाना। बल्कि अम्मी और ताई अम्मी ने कहा है पागल जाना है तुझे पार्लर सीखने के लिए, सब वो यही कह रहे थे। झूठ बोल रही है ना? नहीं सच्ची, अकीदत भाई भी यही कह रहे थे, पूछ लो उनसे, अभी वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। अकीदत भाई अम्मी से कह रहे थे कि अम्मी सीखने दे, कोई बात नहीं अब स्टडीज़ की जो है वो कहाँ खुश किसमें हो रही है, बदतमीज। तो दो दिन हो गए, आप बताना कमेंट करके कि ये कोई तरीका है, पता नहीं ये कौन सा तरीका सीख लिया बच्चों ने अपनी बात मनवाने का। हाँ जी, ये भी बात मनवाने का एक तरीका है। दो दिन हो गए मुंह फुला के बैठी है, मतलब कि खाना पीना तो वैसे बिल्कुल ठीक था, खाना पीना ठीक था इसका बिल्कुल भी, ऐसा नहीं कि खाना पीना इसने छोड़ दिया हो। खाना क्यों छोड़े भाई? हाँ खाना पीना बिल्कुल ठीक था, काम भी कर रही थी, बस ये था थोड़ा इनोसेंट सा जैसे मुंह बना लेना, यूं करना वो करना, चुप रहना। तो अब कहते हैं ना बड़ों को जिद माननी पड़ती बच्चों की, बच्चों ने फिर बहुत ज़्यादा ही वो कर दिया। अब इसकी वजह से मुझे भी जाना पड़ेगा, मैंने वैसे सीखना है नहीं पार्लर का काम, ना मुझे शौक है इसमें खुद को हर वक्त सजाना सजाना, इसका शौक है। हमारी यहाँ पर शादियाँ वगैरह होती है ना, तो बच्चियाँ आ जाती हैं गांव में, कहती हैं आप ही तैयार कर दो, ये पकड़ कर उनको आ तैयार करती है ना।
मुझे अच्छा लगता है। हाँ जी अच्छा लगता है। अब काम हो गया, चलो चलें आगे। अब यहाँ पर ही आपको बात खत्म नहीं करते, बल्कि ये हर वक्त ये कोमल की लड़ाई हो गई है, ये हो गया, नहीं हम आगे वीडियो जो है और स्टार्ट करते हैं, मतलब कि कुछ और दिखाते हैं आपको। ये तो कोमल की हो गई हमारी सुलह, ये देखो हो गई ना। हाँ, हो गई है। सॉरी किया नहीं है मुझे, है सॉरी नहीं किया, मैं बड़ी हूँ ना, मुझे सॉरी करना चाहिए था तुम्हें। किस लिए? किस लिए? जो तुमने इस तरह से मुंह फुलाया था उसके लिए सॉरी करो सबके सामने। चलो जल्दी करो, सॉरी करो। मैंने कहा सॉरी करो, सॉरी कर दिया। बस अम्मी ने कोमल और मेरी जो है सुलह करा दिया। मेरी अम्मी सबसे बेस्ट है। अच्छी गाल है, लड़ाई अच्छी कहनियां देना। अच्छी कहनी ये लड़ाई दीजिए तो वजह तो कोई कहनी ना। आप लोगों ने गाल कर दी, आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि ये कोई वजह थोड़ी है कि लड़ाई की। ऐसी खट्टी मीठी लड़ाई थी लेकिन इसने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले दिया। अब ये देखिए आखिर मेरी मान ली है ना बात। हाँ ये खजूर है हम खा रहे हैं। एक वायदा हुआ है कोमल से लड़ाई का, कोमल ने काम ज्यादा किए, गुस्से में आकर ना सारा काम करती रही और मेरे मुंह से मोजा हो गई। मैंने काम किया नहीं है दो मेरी आदत है, दो दिन काम नहीं किया गुस्से में काम करने की वजह। तेरी आदत नहीं है, गुस्से में किया है काम। हाँ तो मेरी गुस्से में आदत है ना, गुस्सा आता है तो फिर काम कर लेती हूँ। अम्मी इधर आओ। व्यूअर्स हम अम्मी को बुला रहे हैं कि दरिया पे चलें। कॉमन होने जैसे नहीं पे कि चाचू आ जैसे जैसे कि दरिया ढाल ही खड़े और देखो आओ जिल्लू। कॉमन होने जैसे नहीं खड़ी कि चाचू ने जैसे कि दरिया ढाल ही खड़े भविष्यवादी पे। अरे उजल देख तो सही कितना था ये खड़े ओ मैं दोस्त दा घर दे ना ले उंदा कू तो न पता पुट्ठा करके देख तो कर दे ताकि पता तल्लो लावे दे पुट्ठा करते उजल। व्यूअर्स मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मतलब कि हम साथ में सिलाई भी सीखते रहे हैं और स्टडी भी साथ की है, तो उसका घर बिल्कुल ही करीब है दरिया के। देखते हैं जाकर, कहते हैं दरिया ने जो है नीचे से घात लगा रखी है, काफ़ी पानी आ चुका है दरिया में, तो खतरा बहुत ज़्यादा हो रहा है इस बार। क्या पता हो सकता है हमारा इलाका डूब जाए। असल में बात यूँ है कि हम दरिया जो है ना वो ऐसे किनारे की तरह ना हाँ, काट रहा है, काट के इस साइड पे आ रहा है, हमारे गांव की साइड से, जहाँ पर आबादी ना उस साइड पे आ रहा है और आगे जहाँ पर वो बिल्कुल ही आबादी नहीं है वहाँ पर नहीं जा रहा पानी। हाँ। तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। भाई और चाचू वहाँ पर बैठे, अकीदत भाई आ जाओ चले। दरिया के पास बिल्कुल ही आ चुके हैं व्यूअर्स। ये तो बताओ ये हुआ क्या है? ये क्या हुआ है? बस छोटा सा कट लगा था पैर पे, कैसे लगा? पांव के साथ ऐसे फुटबॉल खेल रही थी, फुटबॉल नहीं खेल रही थी। यहाँ पर रोही मतलब जैसा ही है रेगिस्तान आप नजर आ रहा होगा आपको, तो यहाँ पर जो मौजूद होते हैं जिसे हम झाड़ू भी बनाते हैं सर, तो उससे थोड़ा पैर कट गया था मेरा। अब सही है, चलते हैं दरिया की जानिब, आपको दिखाते हैं कि दरिया कितना करीब आ चुका है, क्योंकि इतना दरिया हूँ जोर की त्याद है पानी झग मरेंदा पे, पानी पिछू ज्यादा है पिया उन वजह का मतलब है झग्गा कटेंदा पे, दरिया का कोई मुँह सिर नहीं होता जेड़े पास रोक कर गिने कर गिने। देखो अपनी बस्ती तो चाही वेंदे क्या पता है, बस्ती भी ढा लेंदे क्या करेंदे। दरिया का पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है बह रहा है, और हम जो है दरिया पर आए हुए थे देखने के लिए, और इस साइड पे आपको घर नज़र आ रहे हैं बिल्कुल ही करीब, ये देखें यहाँ पर पानी है दरिया का और उस साइड पे हमारे ये घर शुरू हो जाते हैं। हमारी बस्ती इसी साइड पे है, इलाका हमारा तो ख़तरा बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। देखो अल्लाह ताला ने करम करे, बस देखते हैं क्या होता है। तुम जंप लगा के देखो कैसे तैरोगी। मैं आधे घंटे के बाद अपने आप तैरना शुरू कर दूंगी। क्यों तुम्हें नहीं आती तैरी? सांसें बंद होंगी तो खुद ब खुद उठ जाएगी। हां सांसें बंद होंगी तो अपने आप तैर नहीं ना डूब गया वो तो बहुत तैर तैर है वो। तुमने तैरना है तो तुम भी आ जाओ। मैं वैसे ही तैर जाऊंगी, अगर इधर से फिसल गई तो बिल्कुल ही तैर जाऊंगी। अच्छा
किसी दिन ये भी रेस लगाएंगे तीनों है। हाँ, तो कोई तो कोई काम हो, वैसे भी आजकल ब्लॉगिंग ज्यादा हो गई है ना, ज्यादा आ चुके हैं ब्लॉगर। मैं चलो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है। तो सबने जो है मिलकर मुझे ही गलत ठहराया कि ये मोमल की वजह से हुआ है, मतलब मोमल को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बनता ना बड़ी है, हाँ बड़ी हूँ, ये हक तो मेरा बनता है कि इनको समझाने का भी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखे अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ भैया, खुदा हाफिज़।